जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं सब? अच्छा यार, ये कि छोटा सा मसला था जो मैंने आपके साथ शेयर लाजमी करना था, हर सूरत करना था। तो ये हमारी एक फ़ीमेल है, इसने तकरीबन 1 महीना हो गया डिलीवरी किए हुए, 1 महीने से तकरीबन ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अचानक से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसको काफ़ी मसला हुआ पड़ा है, तो हमने इसका इलाज करना है। तो आपको मसला बताता हूँ। मसला इसमें ये है, ये देखें, इसकी दुम मैंने बिल्कुल साफ़ वगैरह की थी अच्छे से, तो ये बिल्कुल फिर गंदी होगी। मुझे लगा यार मैला वगैरह गिरा रही है, लेकिन फिर मैंने गौर किया तो इसने मैला वगैरह तो गिरा दिया था, लेकिन अभी जो इसमें मसला आ रहा था वो इसमें रेशा गिरा रही थी। ये आँ जिसे कहते हैं, हमारे जानवरों में आँ पड़ जाती है। उसमें ये होता है कि जो बच्चादानी होती है उसका मुँह खुला ही रह जाता है, ठीक है, उसमें से रेशा और मवाद वगैरह आता रहता है, तो उसमें जानवर पीछे से भी गिराता रहता है, हमें महसूस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। इसमें काफ़ी नुकसान होता है, जानवर कमज़ोर भी हो जाते हैं, तो दूध भी कम हो जाता है। तो इसीलिए आपने भी सेम, अगर ऐसा इशू हो तो जो हल मैं आपको बताऊंगा आपने वो करना है। और यूट्यूब पे इसका कोई इलाज नहीं, किसी ने भी बताया, क्योंकि लोगों को ख़ास कर इस बीमारी का नाम भी नहीं पता होगा, तो अंदाज़ा ही नहीं होता। ये तब ऐसे मसले मसाइल आते हैं जब हमारी बकरी में जब हाथ वगैरह हम इस्तेमाल कर लें, या डिलीवरी में कोई पेचीदगी आ रही हो तो उसमें थोड़ा मसला मसाइल हो जाए, तो फिर ये मसले ज़्यादा आते हैं, कॉमन होते हैं ये। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने पहले तो अच्छे से जांच करनी है कि आपको यही मसला है या कोई और है। इसमें ये आपको अलामतें भी दिखा देता हूँ, आपका जानवर ऐसे शो करेगा जैसे वो हीट पे आया हुआ है, वैसे नाड़े वगैरह करेगा, मादा गिराएगा, तो वो हीट पर नहीं होता। तो उसमें ये होता है कि उसके यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसमें से रेशा टाइप निकल रहा होता है, या पानी निकल रहा होता है, या हम मवाद कुछ कह सकते हैं, तारें वगैरह निकल रही होती हैं। वो बार बार डेली बेसिस पर जानवर आपका गिराएगा, जब भी पेशाब करेगा उसके बाद भी गिराएगा। तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे से तसल्ली कर ली, फिर आपने बाज़ार जाना है, बाज़ार से जाके आपने ये लेके आना है आर्निका। आर्निका कतरे होते हैं, ये होम्योपैथी की मेडिसिन है। आर्निका कतरे बहुत अच्छे हैं, और मैं कहता हूँ यार आँ और लकोरिया टाइप जैसे इस्तेमाल होता है औरतों में भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, ये ह्यूमन मेडिसिन है, आर्निका इसका नाम है। ये देख, थोड़ा जूम कर दो, आर्निका, ये देखें, थोड़ा सा और हो जाए, तू आ जाए पहले, ये दे लें, इसको देख लें पहले, अभी दूध पी गया इसने, फिर भी तंग कर रहा है। आर्निका कतरों का नाम है, और फिर आपने बाज़ार से ये लेके आने हैं। आगे आगे हम बात करने के, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे आपके जानवर आपको महसूस हो कि वो रेशा गिरा रहे हैं, या मवाद तारे वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हीट पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आर्निका जाके बाज़ार से, होम्योपैथिक मेडिसिन है या आपके होम्योपैथिक स्टोर से मिलेगी, आपने ले आने हैं। ला के आपने तकरीबन इसके 3 हिस्से करने हैं, ठीक है, ये होम्योपैथिक है, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इंसानों वाली मेडिसिन है। आपने इसके 3 हिस्से करने, साफ पानी में मिक्स करने, ठीक है, एक हिस्सा एक दिन दे दें, एक हिस्सा 2 दिन बाद दे दें, एक हिस्सा फिर 2 दिन बाद दे दें, ठीक है। आपने 3 हिस्से करके आपने लगातार इसको मेडिसिन देनी है, इससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा आपके जानवर के जो ये नाड़े गिराने वाली, या जो आँ है, या जल लुकोरिया कह सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फाका होगा, और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, और बहुत जल्दी उसके यूट्रस का जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, और ऐसी चीज़ें आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा। तो मैं तो बड़े जानवरों में हम इस्तेमाल करते हैं, एज अ डॉक्टर भी हूँ, तो वाले साहब डॉक्टर हैं, तो उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे उनको देख देख के। तो बड़े जानवरों में ये इस्तेमाल लाजमी करवाते हैं, तो अगर छोटे जानवरों में, बकरी में भी ये मसले मसाइल आ जाएँ, तो उनमें भी ये इस्तेमाल होता है। हमारी बड़ी बकरी थी जो ब्लैक, ये देखें, तो इसको भी यही इशू आया था, तो हमने इस्तेमाल कराए, तो माशाल्लाह से बिल्कुल रिकवर हो गई थी, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसा कोई इशू आए तो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी बकरी भी रिकवर हो जाएगी। अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। शुक्रिया।